खाली तुम्हारे स्कूल डेवलप कर लो, खाली तुम्हारे स्कूलों को बजट लाओ, बाकी स्कूल वाले क्या बमड़े मारना। यहाँ के एमपी है और यहाँ के मंत्री है, लोगों को सुसाइड करने तक भी पीछे नहीं हट रहे। लोगों का सेवा करने की जगह तुम लोगों को लूट रहे। आज ये जो कैबिनेट मंडली में निर्धार हुआ था कि कर्नाटक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जो यहाँ के बड़े बड़े लीडर है, यहाँ के एमपी है और यहाँ के मंत्री है, उनका जो कर्नाटक पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ट्रस्ट जो चलाते हैं, उसके अंदर ही प्रज्ञा हाई स्कूल बोलकर एक स्कूल है। वो स्कूल के लिए वो कैबिनेट में ऑर्डर होता है कि 15 टीचरों को लेना है और 2 नॉन टीचिंग वाले को स्टाफ को लेना है। तो बाकी के स्कूल वाले क्या करना भाई, घंटे मारना, खाली तुम्हारे स्कूल डेवलप कर लो, खाली तुम्हारे स्कूलों को बजट लाओ, खाली तुम ही जमीन बनो, बाकी स्कूलों वाले क्या बमड़े मारना। तुम्हारे पार्टी वाले का स्कूल है, दूसरे पार्टी वाले का स्कूल है, तुम्हारे वोटर्स के स्कूल है, तुम्हें जा वोटा लेके तुम्हें जीत के लोगों का सेवा करने की जगह तुम लोगों को लूट रहे, ये गलत है। आप बाबा साहेब अम्बेडकर का तत्व फॉलो करने कर तुम बोलने वाले, संविधान फॉलो कर तुम बोलने वाले, और तुम स्वतत्व बुद्ध तत्व फॉलो कर तुम बोलने वाले, ये सब बोलो, ये सब करने बोले क्या भाई? कौन से किताब में है बोलो, कौन से संविधान में है बोलो, हम भी पढ़ते। ये सब तुम्हारे को हगरणा करने के लिए बोले सो, और एक पक्ष करने का बोले सो, और वो ऑर्डर में लिखते कि ये ऑर्डर आगे कौन से किसको भी अप्लाई नहीं होता बोलकर बोलते। और दूसरे 250 साल के गेस्ट टीचरों को अब तक तुम लोग सैलरी नहीं दिए, वो लोग स्ट्राइक कर ले रही, और वो लोग जो है ना फांसी डाल ले तुम बोलकर ग्रुपा में मैसेज चल रहा, तुम लोगों को सुसाइड करने तक भी पीछे नहीं हट रहे। ये यहाँ कुछ रुकाओ, आने वाले दिनों में ये सब ऐसा ही चलते गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम हमारा कितना भी आवाज़ दबाने का कोशिश करो, ये हमारा जबान रुकाने का तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम मेरा जबान नहीं रुका सकते बोलकर मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बोलना चाह रहा हूँ।